हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान और बहुत सुंदर पर्स बना करके दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए ये मैंने ओसवाल की 4-ply ऊन ली है और इसका वेट है 50 ग्राम। तो ये जितनी लगेगी हम यूज कर लेंगे। और ये क्रोशिया लिया है मैंने, 11 नंबर क्रोशिया है। चाहे तो 10 नंबर से भी बना सकते हैं। तो ये किस तरह से बनेगा, चलिए शुरू करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे, 6 चेन लेंगे स्टार्टिंग में। सर्कल बनाना है और जोड़ लेना है फर्स्ट चेन से, इस तरह से बांध लेना है स्लिप स्टिच से। और अब हमें 3 चेन लेनी है। तो अब जो ये सर्कल है इसमें हमें टोटल 13 डबल क्रोशिए बनाने हैं। तो एक तो हमारा बन गया, 12 और बना लेंगे। काउंट करके बनाने हैं 13 डबल क्रोशिए, 13 डबल क्रोशिए। तो ये देखिए, इस तरह से 13 डबल क्रोशिए बना के और जोड़ लेना है लास्ट में फर्स्ट डबल क्रोशिए से, इसमें एक स्लिप स्टिच लेके बीच में आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में। और अब हर एक चेन पर 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं, क्योंकि हमें जो सर्कल बना रहे हैं इसका घेर बढ़ाना है। तो उसके लिए 2 डबल क्रोशिए हर एक चेन में बनाने हैं। सेम जगह पे ही 2 डबल क्रोशिए। तो इस तरह से पूरा राउंड बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये 13 डबल क्रोशिए थे, इसमें हमारे 26 डबल क्रोशिए हो गए। और फर्स्ट वाले से बांध लेना है। फिर से शुरू कर लेंगे सेम चेन में 2 डबल क्रोशिए। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिए बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिए सेम चेन में, फिर 1 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिए इस तरह से इस वाले राउंड में हमें बनाना है। नेक्स्ट में फिर हम 2 सिंगल डबल क्रोशिए बनाएंगे और थर्ड वाला डबल क्रोशिए में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिए। तो इस तरह से 6 से 7 राउंड हम ले लेंगे कंटिन्यू। जैसे यहाँ पर हमने 1 सिंगल बनाया, नेक्स्ट में 2 सिंगल डबल क्रोशिए बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में 3, फिर 4, 5, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। और 4, 5 के बाद फिर डबल, इस तरह से कंटिन्यू 6 से 7 राउंड कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने 6 राउंड का सर्कल बनाया है। इसी तरह से एक सर्कल और बना लेना है, तैयार कर लेंगे एक और सर्कल बना के सेम ऐसे ही। तो ये देखिए, इस तरह से 2 सर्कल बना लेने हैं। और यहां पर ये लास्ट फिनिशिंग हुई है, तो यहां से मैं 20 चेन लूंगी। ये 20 चेन ले ली और अब इसको जोड़ेंगे। यहां पर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं आप।
स्लिप स्टिच से। नेक्स्ट में डाल के और एक ये बना लेना है। फिर एक चेन लेनी है और अब जो ये चेन ली है इन पर हमें डबल क्रोशिए बनाने हैं। गहरे गहरे बना लेंगे, काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से सभी पर डबल क्रोशिया बना लेना है और इस पर जोड़ना है। तो फिर वैसे ही जोड़ेंगे स्लिप स्टिच लिख के, एक दो, दो स्लिप स्टिच लेंगे और फिर एक चेन लेंगे, फिर टर्न करेंगे और अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है बैक साइड में इसकी बैक चेन में। तो ये वाला डिजाइन अब हम इसमें बनाएंगे, इस तरह से कंटिन्यू बनाना है। जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से इस तरह से ये हमें कंटिन्यू बनाना है हर एक चेन पर। तो ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू बनाते जाएंगे हाफ डबल क्रोशिए में और ये इस तरह से आएगा। इस साइड से ये हमें इस साइड तक बनाना है यहां तक, तो ये कंटिन्यू चलता आएगा बनाते आएंगे यहां तक। सेम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन पर। बिल्कुल सिंपल और आसान डिजाइन है, आराम से बन जाएगा कोशिश करेंगे तो। ये देखिए बैक चेन में, चेन की बैक साइड में डालना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से कंटिन्यू बनाते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बना लेना है। ये देखिए मैंने ये गहरे गहरे राउंड यहां पर लिए हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया वाला डिजाइन जो मैंने बनाया है वो बना लेना है। इस तरह से तैयार कर लेना है। ट्वेंटी चेन लेंगे, थर्ड चेन में डाल के और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है।
तो इस तरह से डबल क्रोशे का राउंड बना लेना है। अब यहाँ पर हमें चेन लेनी है, तो ये मैंने 6 चेन ली है। 6 चेन लेके और डबल क्रोशे से यहाँ पर बांधना है। सेम दूसरी साइड में भी इतने ही डबल क्रोशे बना लेने। जितने इस साइड में बनाए हैं तो ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए जो हमने 6 चेन ली हैं इस पर भी बनाना है। इस तरह से ये 3 राउंड का डिजाइन बनेगा। तो ये देखिए ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब हमें ये सीलना है, तो पहले इसके लिए हमें एक बटन चाहिए। बटन आप जैसा भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो इसे स्टिच कर लेंगे पहले। अच्छे से सील लेना है इसे। अब इसको हमें इस तरह से सीलना है, ये अच्छे से बंद हो जाए। सेकंड वाली लाइन पर हमें सील लेना है इसे, सेकंड वाली पर। तो इस तरह से हमें सेकंड पे सीलना है इसे। रॉन्ग राइट साइड देख के सिल लेंगे, तो राइट साइड में सेकंड रो और हाफ काउंट करके बीच में एकदम से सीलना है। ये 13 डबल क्रोशिए हैं बीच में। इस तरह से यहां पर सील लेंगे, तो ये देखिए ये इस तरह का दिखेगा। ये देखिए अब हमें लॉन्ग रस्सी बनानी है इसके लिए, तो यहां सीलना है उसे।
जितनी लेंथ में रखना चाहें इसकी डस्सी, उस हिसाब से आप बना ले। हैंडर्ड चेन की ले सकते हैं, 80 चेन या 100 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक डस्सी बना के तैयार करनी है और उसे हम यहाँ किनारों पर इसके अंदर की साइड सील लेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। डबल क्रोशिया में सिंपल डस्सी बनाएंगे, जैसे ये बनाई है ऐसे ही डबल क्रोशिया, दो राउंड की या तीन राउंड की जितनी चौड़ाई रखनी हो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेंगे और सील लेंगे इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पर्स हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से बना लेना है और ये डोरी लगा लेनी है इसकी। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।